हालत बना रखी है आपने अपनी लाइफ में। हैप्पी रहो, मजा लो लाइफ का। भगवान तुम्हें इस बार लड़की को सही ढंग से प्रपोज करने की शक्ति दे। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी के साथ रोमांस करने का ख्वाब हर उम्र के एक्टर का होता है, लेकिन ये ख्वाहिश बहुत कम लोगों की पूरी हो पाई है। 70-80 के जमाने में हेमा मालिनी पर उस दौर के कई सुपरस्टार एक्टर फिदा थे, लेकिन हेमा मालिनी ने अपने जीवन साथी के रूप में धर्मेंद्र को चुना। शादी के बाद भी हेमा मालिनी फिल्मों में एक्टिव रही। उन्होंने कई बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन पेश किया। अब हेमा मालिनी 71 साल की हो चुकी है और फिल्मों में कम ही नजर आती है। हालांकि आज भी कई यंग एक्टर्स की ख्वाहिश है कि वो हेमा मालिनी के साथ रोमांस करे। अब ये एक ख्वाहिश जो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं। पर एक्टर राजकुमार राव वो लकी एक्टर जरूर बन गए हैं जिनका ये ख्वाब पूरा हो गया है। अपनी अपकमिंग फिल्म शिमला मिर्ची में राजकुमार राव हेमा मालिनी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और फिल्म 3 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भी हो रही है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर ये जोड़ी कमाल की लग रही है। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शिमला मिर्ची में राजकुमार राव, हेमा मालिनी और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में है। राजकुमार राव एक ऐसे लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो बहुत शाय है और अपने प्यार का इजहार करने में शर्माता है। रकुल एक बिंदास लड़की का रोल प्ले कर रही हैं। फिल्म में रकुल की मां बनी है हेमा मालिनी, जिनकी ट्रेजेडिक लव स्टोरी रही है, जिस वजह से वो हमेशा उदास ही रहती हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजकुमार राव रकुल के नाम एक लव लेटर भेजते हैं, जो हेमा मालिनी पढ़ लेती हैं और उन्हें लगता है कि वो लेटर उनके लिए था। अब यहाँ से कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। शिमला मिर्ची दिसंबर जैन की इन सर्द हवाओं में वो तीखापन देती है जो लगती तो तेज है, लेकिन जिसका स्वाद आप बार बार लेना चाहेंगे। ये फिल्म 3 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हेमा मालिनी की शिमला मिर्ची ऑडियंस को कितना पसंद आती है। अगर आपने हमारे चैनल क्रिसक्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।